बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। मैं आज आपको इंपोर्ट कोऑर्डिनेट्स फाइल्स के मुताबिक बताऊंगा कि आप पीसी के जरिए कैसे ट्रेड स्टेशन के अंदर अपने पॉइंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास सोकिया लिंक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या आप गूगल कर सकते हैं और सोकिया लिंक लिख के आप इंटर करेंगे तो कोई भी साइट से आप इसको ईजिली डाउन कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन वगैरह इधर मैं आपके सामने ये करके आपको बता देता हूँ। ये सोकिया लिंक 8.2.3, या आप इसी तरीके से इसको आप डाउनलोड कर लें अपने पीसी के अंदर और इसको इंस्टॉल कर लें। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आप इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें। ये आपके सामने मैं पूरा सेटअप बता रहा हूँ। आप जब इंस्टॉल करेंगे इसको तो इसके सबसे पहले आपने इसको रजिस्ट्रेशन करनी है इसकी SDR फाइल के ज़रिए। आप या तो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप इसको प्लग इन करेंगे इसके केबल के ज़रिए, या SDR फाइल के ज़रिए आप करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने क्लिक किया तो ये सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन मांग रहा है ये साइड के ऊपर कि आप रजिस्टर हो जाए इसके अंदर। तो इसके लिए दो मेथड है। USB के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसकी SDR फाइल को बना सकते हैं, और बनाने के बाद इसको आप रजिस्टर करेंगे। ये ट्रेड स्टेशन आपके सामने है और ये ऊपर आपको USB पोर्ट, इस तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट को ये ऑन करते हैं। सोकिया CX107 ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है। आप सोकिया या टॉपकॉन के दोनों इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इसी तरीके से होएगा। ये देखें, ये आपके सामने है। आप इसके मेन पेज के अंदर आ जाएं, USB को आप इंटर करके उसको क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आप इसको इंटर करेंगे तो ये आपसे इसके मुख्तलिफ कोड्स वगैरह ये आपके सामने आ रहे हैं इसके। तो आप इधर से सेव डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि इंसर्ट USB को आप कर दें। तो आप सबसे पहले अपने पोर्ट के अंदर USB को इंसर्ट कर दें, लगा दें इसको। कोई भी USB आपके सामने है तो इसको आप इस पोर्ट के अंदर इस तरह इंटर कर दें। लगाने के बाद आप प्रेस एनी की कर दें और इधर से इंस्ट्रूमेंट को अपने आप रीस्टार्ट कर दें। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऑन है तो उसको आप USB लगाने के बाद रीस्टार्ट कर दें, ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन कर लें ताकि वो आपकी USB को उधर से डिटेक्ट कर ले। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखें, USB में आएंगे तो ये आपके सामने टू टाइप्स की फाइल आ जाएंगे, T-टाइप और S-टाइप। तो T-टाइप के अंदर आपके पास जो डेटा आएगा वो टेक्स्ट फाइल के अंदर आएगा। तो आप इसी तरीके से आप इधर से इसको इंटर करें और ओके प्रेस कर दें तो ये आपके सामने डेटा आपका आउट हो जाएगा। आपके सामने मुख्तलिफ फार्मेट बताएगा, आप SS फार्मेट या ऑब्जर्व या GIS जो उनसे भी आप कोऑर्डिनेट्स करना चाहते हैं। मैं SSS उसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी टेक्स्ट फाइल इधर से एक्सपोर्ट हो जाएगी ट्रेड स्टेशन के ज़रिए। इधर मेरे पास 2000 से ऊपर पॉइंट थे, 2000 से ऊपर पॉइंट्स थे। तो इस तरीके से ये आप इसकी टेक्स्ट फाइल को इधर से इंपोर्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप बैक आ जाएं। और सेकंड ऑप्शन आपके पास S-टाइप, इसको आप सिलेक्ट करने के बाद इधर से इंटर कर दें तो ये S-टाइप की जो फाइल होगी ये आपके सामने उसी तरीके से आप इसको इंटर कर दें। और जोन सी भी फाइल आप इधर से जोन सी भी जॉब आप आउट करना चाहते हैं इंटर करें और ऊपर ये आपके सामने आउट लिखा हुआ आ जाएगा। इधर से आप ओके प्रेस कर दें तो ये देखेंगे आपके सामने SDR फॉर्मेट की फाइल इंपोर्ट के बारे में वो आपको बताएगा, उसकी पूरी डेट और डिटेल्स वगैरह सारी, USB की भी सारी। तो आप इधर से ओके कर दें तो ये आपके सामने दोनों किस्म के फॉर्मेट्स, टेक्स्ट फाइल T-टाइप और S-टाइप, SDR फॉर्मेट, ये दोनों मैंने फॉर्मेट कर दिए, USB को एक्सपोर्ट कर दिए USB के अंदर। तो ये आप देखेंगे ये आपके सामने पैकेज 6 की जॉब बनी हुई थी। तो ये इसी तरीके से आप जो भी करना चाहते हैं वो आप फाइल एक्सपोर्ट कर दें SDR की, और USB उतारने के बाद अपने PC के अंदर, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आप इसको लगा दें तो ये देखेंगे ये मैंने जैसे दो फाइल्स इंपोर्ट की थी, एक्सपोर्ट की थी, तो ये आपके सामने दोनों आ रही हैं, पहली टेक्स्ट फाइल और दूसरी SDR फाइल। तो ये आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने टेक्स्ट फाइल वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से आप PC के अंदर USB लगाने के बाद ये दूसरी सेकंड फाइल आपके सामने है SDR की। तो ये SDR फाइल जो भी हमने इधर से एक्सपोर्ट की है ट्रेड स्टेशन के अंदर से, उसको हम इधर इंपोर्ट कराएंगे और अपने फॉर्मेट को सोकिया लिंक को रजिस्टर करेंगे। आप इधर से इसके ऑप्शन में आ जाएं तो ये आपके सामने मुख्तलिफ की आपकी ड्राइव्स आ जाएंगी। इधर से आपने रिमूवेबल ड्राइव को आपने सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है USB ड्राइव। इधर से आप करेंगे तो नीचे आपके सामने वो फाइल आ जाएगी और इधर से आप
कर ले तो ये देखेंगे ये सेकंड फाइल मेरे पास एसडीआर, इसकी प्रॉपर्टी भी आपके सामने पूरी डिटेल में है। तो ये एसडीआर फाइल को आप इधर से सिलेक्ट करेंगे और ओपन फाइल कर देंगे तो आपका सुकिया लिंक इधर से इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आपका भी वर्किंग करेगा। तो इसी तरीके से आप ये अपनी, ये मेरे पास एक फाइल है सेंट्रल लाइन कोऑर्डिनेट्स की, इस फाइल को मैं सुकिया स्टेशन के अंदर इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पूरा फॉर्मेट बनाऊँगा एक्सेल के अंदर। आप आने के बाद मोर फंक्शन में आ जाएँ और नीचे सेलेक्ट कंटिनेट को आप सिलेक्ट कर लें, इसको सर्च कर लें सीओ लिखकर, तो इसी आपके सामने टेबल ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले स्टेशन लगाएं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नार्दिंग, फिर कॉमा लगा दें और उसके बाद इसी तरीके से उसकी स्ट्रिंग को आप सिलेक्ट कर लें। आप इसमें स्ट्रिंग और नार्दिंग को चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह आपके इंस्ट्रूमेंट की फाइल्स वगैरह आपने सेटिंग की हुई है, तो आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं। उसको कॉपी टू एंड कर दें तो ये आपकी कॉमा डेलिमिटेड फाइल बन जाएगी सारी। इसी तरीके से आप ये सारे कॉलम्स को आप सिलेक्ट करके कॉपी कर लें और नोट पैड स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद ओपन कर लें और अगर आके आप इसको पेस्ट कर दें तो ये आपके सामने आपका स्टेशन, नॉर्दिंग और स्ट्रिंग के हिसाब से आपका कॉमा डेलिमिटेड फाइल बन गई है। आप इधर से इस फाइल को पेस्ट करने के बाद सेव कर लें अपनी ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, जिधर भी आप जो सा फोल्डर आपने बनाया हुआ है और उसका रीनेम कर दें, जो उनसे भी आप इसका सब्जेक्ट देना चाहते हैं, फाइल का नाम जो भी आप देना चाहते हैं। फाइल का नाम आप देने के बाद इस फाइल को आप सेव कर लें अपनी ड्राइव के अंदर। ये देखिए मैंने सेव कर दी है। सो किया लिंक का फोल्डर मैंने बनाने के बाद ये सबसे ऊपर आपको ये टेक्स्ट फाइल नज़र आ रही है। इसी तरीके से आप सो किया लिंक को आप दोबारा ओपन कर लें और ओपन करने के बाद ये देखिए पैक 6 पहले हुआ हुआ था। आप इधर से न्यू प्रोजेक्ट को आप क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद इस प्रोजेक्ट का आप नाम दे दें, कोई भी नाम आप इंटर करना चाहते हैं, आप एक्स वाई जेड जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो आप नाम दे दें। मैं इधर से आप कर देता हूँ PC2 प्रोसेसिंग इंपोर्ट पॉइंट्स। तो ये सामने आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, इसके अंदर ये आपके सामने प्रोसेसिंग का आइकन नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इस साइड के अंदर आपके पास पॉइंट फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं सारे, इधर से आपने जिस फॉर्मेट के हिसाब से फाइल बनाई है तो उस वो फॉर्मेट आपने इधर सेलेक्ट करना है। हमने इधर से पॉइंट नंबर, नॉर्दिंग और स्ट्रिंग कॉमा डेलिमिटेड फाइल बनाई थी, वो फॉर्मेट मैं इधर से सिलेक्ट कर देता हूँ और ओपन फाइल के अंदर जाने के बाद जिधर मैंने वो टेक्स्ट फाइल अपनी सेव की थी वो उस ऑप्शन को करने के बाद उसको सिलेक्ट कर दूंगा। ये देखेंगे मेरे साथ आपके सामने स्टेशन, नॉर्दिंग और स्ट्रिंग कॉमा डेलिमिटेड फाइल जो हमने अभी बनाई है इसको ओपन कर दें तो ये आपके सामने सोकिया लिंक के अंदर ये आपके सामने ये RDs और उसके नॉर्दिंग स्ट्रिंग सारी ओपन हो जाएंगी सारी। तो ये आपके सामने आप इसी तरीके से कोई भी फॉर्मेट बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। उसके बाद इस फाइल को आप एक्सपोर्ट कर दें, ये सबसे अपना आपके सामने SDR फाइल का ऑप्शन आएगा। आप SDR फाइल के बाद SSD फॉर्मेट को आप इधर सेलेक्ट कर लें और करने के बाद ओके कर दें और जो किसी भी ड्राइव में के अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं अपने PC के अंदर, आप इसका वो फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद SDR फाइल का नाम जो प्रोजेक्ट का नाम दिया था उसके हिसाब से आप इसको सेव कर दें। तभी आप ये उधर से ओपन करेंगे फाइल तो ये देखेंगे ये आपके सामने SDR फाइल ओपन होगी, बन क्रिएट होगी है और इसी फाइल को हम इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फ्लैश ड्राइव USB ड्राइव के अंदर ओपन करने के बाद आप इसको इधर पेस्ट कर दें तो ये आपके सामने SDR फाइल USB के अंदर पेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसको क्लोज करने के बाद ये आपके सामने SDR फाइल USB के अंदर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ये देखिए आप इसके बाद USB को अपनी वर्कस्टेशन के अंदर इंस्टॉल कर दें, लगा दें और जैसे TS को आप ओपन कर दें, वर्कस्टेशन को ओपन करने के बाद आप मेन फंक्शंस में आ जाएं और इधर से आप सबसे पहले आप जॉब सेलेक्ट करेंगे, जिस जॉब के अंदर आप ये डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं डेटा के अंदर आ जाएं। ऊपर आपकी जॉब है, जॉब को आप सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें और जॉब सिलेक्शन वाले कॉलम के अंदर चले जाएं। फर्स्ट कॉलम आप इधर से इंटर कर दें, जो उनसे भी आप जॉब इधर से सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे। ये देखिए मैंने लिस्ट किया तो इसके अंदर जॉब 4 के अंदर 00 पॉइंट्स हैं तो आप इधर से उसको इंटर कर दें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जॉब डिटेल्स में आ जाएं, आने के बाद जॉब के नाम को आप चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं तो आप उसका नाम चेंज कर दें। इधर से लेआउट
अगर आप नाम नहीं भी चेंज करना चाहते तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप वही नाम रख सकते हैं जो सी भी आपकी जो आपका नाम चल रहा है। तो इसमें आपको इधर से उसका रीनेम कर देता हूँ लेआउट्स के नाम से, मैं उसकी जॉब क्रिएट कर दूंगा नहीं इसी तरीके से स्केल फैक्टर वगैरह, जो आपका नाम लिखने के बाद इंटर कर दें और जॉब सिलेक्शन के अंदर दोबारा आ जाए तो आप देखेंगे ये लेआउट की नाम की फाइल बन गई है। आप इसको लिस्ट करेंगे तो ये आपके सामने जीरोस के पॉइंट्स बता रहा है। इसी तरीके से आप बैक आ जाएँ और नेक्स्ट कॉलम यूएसबी को आप इधर से इंटर कर रहे हैं तो ये आपके सामने इसी तरीके से टी टाइप और एस टाइप आएगा। आप एस टाइप फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लें और लोड नाउन पीटीआई को आप सिलेक्ट कर दें तो ये आपके सामने पूछेगा लोड नाउन पीटीआई जॉब लेआउट के अंदर आप करना चाहते हैं। ओके करेंगे तो आपके यूएसबी के अंदर जिस नाम से आपने फाइल बनाई थी वो आप नेम आपके सामने आ जाएगा, इसको आप इधर से इंटर कर दें। इंटर करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर पूरी आपकी उस फाइल की डिटेल्स वगैरह और नाम और फाइल का नाम आ जाएगा। आप इधर से उसको कंफर्म कर दें यस कर दें तो ये आपके सामने पॉइंट्स इंपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए तकरीबन मैंने इधर से 1075 पॉइंट्स उस मैंने उसकी फाइल बनाई थी तो ये सारे के सारे फाइल आपके सामने ट्रोसेशन के अंदर लोड हो रहे हैं इम्पोर्ट हो रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप कोई भी फॉर्मेट की फाइल आप बनाएंगे फॉर्मेट के अंदर एसडीआर फॉर्मेट के अंदर उसी तरीके से आप लोड कर देंगे अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर। लोड होने के बाद आप इधर बैक आ जाएँ डेटा के अंदर आ जाएँ और ये जॉब के अंदर उसी तरीके से आप सिलेक्ट कर लें। जॉब सिलेक्शन के अंदर आप चले जाएँ और लेआउट के अंदर आप लिस्ट कर दें तो पहले जिधर पॉइंट ज़ीरो थे इधर अभी 1075 पॉइंट आपके इंपोर्ट हो चुके हैं ट्रांसिशन के अंदर। आप इसी तरीके से इसको आप काम कर सकते हैं। आप मेन मेन्यू में आ जाएं और जैसे कोऑर्डिनेट्स को आप सिलेक्ट कर दें तो ये आपके सामने कोऑर्डिनेट का आ जाएगा ओसीसी ओरियन। तो इधर से आप लोड वाले कॉलम में आएंगे तो आप देखेंगे ये जितने भी पॉइंट्स आपने लगाए थे उसकी आईडी वाइज ये सारे आ रहे हैं। ये 280 मैंने पीटी कोड ही उसका उस हिसाब में दिया हुआ था। आप इधर से जोन से भी पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे 320+320 वाली आईडी 360 380 आईडी ये आप इधर से इंटर करते जाएंगे तो ये आपके सामने उसके कोऑर्डिनेट इसी तरीके से आते जाएंगे और आप इसको अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। उसकी मदद से आप लेआउट कर सकते हैं बैक कर सकते हैं जो भी पॉइंट्स हैं वो आप उसका नाम देने के बाद इसी तरीके से आप मेन्यू में आ जाएं और एसओ ऑप्शन में आ जाएं। ऑप्शन में आने के बाद एसओ डेटा के अंदर आ जाएं। एसओ डेटा के अंदर इसी तरीके से आप लोड में आ जाएं तो ये अगर आपने लेआउट के लिए पॉइंट सेव किए हैं तो इधर से आप जिनसे भी पीटी कार्ड के पॉइंट के अंदर जो भी आईडी आई थी वो आईडी आप इधर से देते जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये आप इसकी लेआउट वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इसी तरीके से अगर आप ये जॉब काम करने के बाद डिलीट करना चाहते हैं आप डेटा के अंदर आ जाएं और डिलीटिंग को ऑप्शन को आप इधर से सिलेक्ट करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे पूछ बताएगा कि आप सबसे पहले जो फाइल आपकी उसको आप सेंड कर दें केबल के ज़रिए या यूएसबी के ज़रिए। उसके लिए आप सबसे नीचे सेकंड ऑप्शन कॉमर्स आउटपुट आप इधर से उस फाइल को कोई भी फाइल को आप इधर से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ओके करें और यूएसबी के अंदर आप करना चाहते हैं सेव तो कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो आप इधर से उसको इसी तरीके से एक दफ़ा उसको आप सेंड कर दें। यूएसबी लगी हुई आपकी या नहीं लगी हुई अगर आपको पॉइंट ज़रूरत है तो आप उसकी यूएसबी के अंदर कर दें, नहीं है ज़रूरत तो आप ऐसे कर दें और इसी के बाद आप ऑप्शन सेंड करने के बाद बैक कर दें और जॉब डिटेशन में आ जाएं और एंटर कर दें। जब जो आपने जॉब बनाई थी उसको आप प्रेस करेंगे तो ये अब आपको कहेगा कि जॉब डिटेशन कन्फर्म यस या नो तो आप इसको यस कर दें तो ये आप इस तरीके से अपने पॉइंट्स की फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं अपनी जॉब्स वगैरह को। तो ये आप देखेंगे इसी तरीके से उसी जॉब्स के अंदर वापस पहुंच गया। तो आप इस तरीके से ये काम करते हुए अपना पीसी के अंदर डेटा लोड कर सकते हैं और काम करने के बाद उस फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल जरूर आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।